अस्सलाम वालेकुम। सीटीआर क्या है और थंबनेल चेंज करने से सीटीआर बढ़ जाता है कि नहीं, आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। देखिए, सीटीआर क्लिक थ्रो रेट, इसका ये मतलब है, फर्ज करें अगर यूट्यूब आपके वीडियोज को 100 लोगों तक पहुँचाता है, तो 100 लोगों में से अगर 10 लोग आपके वीडियोज को प्ले करे, वॉच करे, तो आपका जो परसेंटेज 10 निकलता है, सीटीआर इसका 10 निकलता है। तो इसी तरह करके यूट्यूब अगर आपके वीडियोस को 1000 लोगों तक इम्प्रेशन देता है, 1000 लोगों तक पहुंचाता है, तो 1000 में से अगर 100 बंदे आपके वीडियोस को क्लिक करे, वॉच करे, तो आपका जो 10% व्यू भी बनेगा। इसको कहते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रो रेट। काफी लोगों को डाउट होता है कि जो थंबनेल है, इसका बड़ा रोल है सीटीआर में क्लिक, जब क्योंकि जो भी बंदा थंबनेल देखता है फिर क्लिक करता है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सीटीआर का बहुत बड़ा रोल है। जब क्लिक रेट आएगा तो व्यूज आएंगे, तो व्यूज आएंगे तो आपके पैसे ज्यादा जनरेट होंगे। देखिए, थंबनेल मैटर करता है। देखिए, सबसे पहले जो देखने वाले होते हैं उनको आपका जो वीडियो का टाइटल, जो टॉपिक है, वो दिखने को मिलता है। उसके बाद आता है थंबनेल, पहले टॉपिक, क्योंकि लोग पहले सबसे पहले जो चीज़ उनको पसंद है वो देखते हैं। दूसरी बात, जो चीज़ सर्चिंग में है या ट्रेंडिंग में है वो चीज़ देखते हैं। फर्ज करें एक बंदा आता है यूट्यूब पर सर्च करता है, तो जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च कर रहा है उसको आपका इम्प्रेस थंबनेल दिखाई देता है। वो फिर टॉपिक भी देखेगा कि वेदर ये जो टॉपिक मैं सर्च कर रहा हूँ, थंबनेल में आपने टॉपिक से रिलेटेड लिखा है लेकिन जो टाइटल है वो डिफरेंट है। तो जब क्लिक करेगा सीटीआर, थोड़ा वीडियोस देखेगा, तो जब ज्यादा वॉच टाइम वीडियो पर नहीं आएगा तो आपका जो इम्प्रेशन है वो डाउन होता जाएगा। सीटीआर आप इस तरह बढ़ा सकते हैं कि आप अपने वीडियोस की जो थंबनेल है 3-4 बना ले, अगर एक नहीं चलता तो दूसरा बना ले, दूसरा मतलब उसको दोबारा चेंज करें। इस तरह करके आप अपने थंबनेल्स को चेंज करें और सीटीआर अपना बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि सीटीआर क्लिक थ्रो रेट, जब कोई बंदा आपके वीडियोस को फुल टाइम देखता है तो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब की जो सॉफ्टवेयर है, ये मजीद लोगों को तो आपके जो वीडियोस को रिकमेंड करता है। एक होता है सर्च में आपकी वीडियोस आना, दूसरा बात है यूट्यूब इसको रिकमेंड, जब यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है वीडियोस को, तो जब रिकमेंड ज्यादा होगा, अगर आपका थंबनेल ठीक है तो क्लिक थ्रो रेट सीटीआर ज्यादा, वहां पर उसका परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। ये अगर आपका थंबनेल ठीक नहीं है तो टाइटल में आप बहुत अच्छे पॉइंट, मतलब एक टाइटल है आपका, जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग में है, सर्चिंग में लोग सर्च कर रहे हैं, थंबनेल अगर मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपका जो ट्रैफिक है, टाइटल है वो ठीक है, आप जो बताना चाह रहे हो वीडियोस के अंदर, तो वो भी मतलब क्लिक रेट को ज्यादा कर सकता है। तो सीटीआर इसको कहते हैं कि आपके वीडियोस को यूट्यूब इंप्रेशन जितने ज्यादा लोगों को देता है, फिर आप उसको जो लोग क्लिक करेंगे उसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट सीटीआर। और सीटीआर कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, ज्यादा से एवरेज जो सीटीआर का रहता है वो 15% रहता है, क्योंकि आपके जो वीडियोस की जो इंप्रेशन है हजारों में जाते हैं, जब हजारों में जाते हैं तो वो आपके जो ऑडियंस है, देखने वाले आपके जो व्यूवर्स है, वो आपके वीडियोस को देखेंगे। मतलब अगर 1000 लोगों तक पहुंचा, 100 में से 100 लोगों ने उसको आपकी वीडियोस को देखे, तो 100 मतलब 10% क्लिक थ्रू रेट आएगा। अगर 200 बंदों ने देखा तो 20%, 300 बंदों ने देखा तो 30%, इसको कहते हैं सीटीआर। तो सीटीआर आप कोशिश करें अपना सीटीआर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, बढ़ाने से मीन्स अपने इंप्रेशन, जो आपका थंबनेल है उसको ठीक करे, टॉपिक है उसको ठीक करे, इस तरह करके आप सीटीआर बढ़ा सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अपना रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जजाकल्लाह खैर।